गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है और एक इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ। तो EMRS एग्जाम जो अभी हुआ था उसकी ई आंसर की जो है वो रिलीज हो चुकी है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चेक नहीं किए तो वो आप चेक कर सकते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे लोग चेक करेंगे, EMRS की वेबसाइट थोड़ा सा सर्वर डाउन है, लेकिन आप कंटिन्यूस ट्राई करेंगे तो आप आंसर की चेक कर सकते हैं। क्या नोटिस आया है वो मैं आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ। लेकिन इससे पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके के और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, इस पर आपको सारी अपडेट जो है मिल जाती हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि टीचिंग एग्जाम है, तो उसके लिए आप हमें अपनी डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं। जैसे आपका नाम, सिटी, एग्जाम का नाम लिखेंगे और आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे 8447410108 पर, आपको पूरी अपडेट्स मिलती रहती है। तो स्टडी पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके सभी टीचिंग नीड्स का। आपको लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस, और इवन अगर आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं तो नोट्स भी आपको कोरियर के माध्यम से भेज दिए जाते हैं। आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए हमारे ऐप स्टडी पोर्टल एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको एंड्रॉइड आईफोन दोनों पर मिल जाएगा। कोई भी कोर्स आपको सर्च करना है उसका आप नाम लिखेंगे, जैसे प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, आपको वो कोर्स जो है विजिबल हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस नोटिस में क्या दिया गया है। वेबसाइट पर जो नोटिस है में क्या आया है, डिस्प्ले ऑफ द स्कैंड इमेज ऑफ OMR आंसर शीट एंड द आंसर की, जो भी आपकी आंसर की थी वो रिलीज की जा चुकी है EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप उसको चेक कर सकते हैं। OMRS की जो आंसर शीट है, आंसर की जो एग्जामिनेशन होगी, वो नीचे लिंक दिया गया है एक यहाँ पर, उस लिंक पर आप देख सकते हैं। और कब से कब तक आप देख पाएंगे इसको, आप 3 तारीख यानी कि आज 3rd of January से 6 तारीख यानी कि 6th of January तक आप इसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। 3rd January से 6th January तक आप अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं, कोई आंसर आपको लगता है कि गलत है और अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए जो फीस रहेगी वो आपकी 1000 रुपये जो है वो यहाँ पर फीस रहेगी पर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 1000 रुपये पर क्वेश्चन आपकी फीस रहेगी और ये हमारी नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आपको रिफंड नहीं की जाएगी। अगर आप किसी भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं है तो आप देख सकते हैं। और जिन्होंने बेसिकली पेमेंट की होगी उस चैलेंज के लिए, उसका आंसर का जो, अगर वो मान लीजिए आंसर करेक्ट होता है बाद में, तो मार्क्स सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने पेमेंट की होगी। ओनली पेड चैलेंजेस मेड ड्यूरिंग स्टैपुलेट टाइम विल बी कंसिडर्ड। तो चैलेंज विदाउट पेमेंट एंड दो सबमिटेड अदर मीडियम विल नॉट बी कंसिडर्ड, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट से ही कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा किसी और भी तरीके से यहां पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा डिटेल है किस तरीके से आपको देना है, क्या पूरा प्रोसेस है, वो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और आप अपनी आंसर की को विजिबल करके चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।